अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हरिद्वार में खुले मां मनसा देवी समेत कई मंदिरों के कपाट, दर्शन से पहले भक्तों की हुई स्क्रीनिंग। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए देश भर के धार्मिक स्थल सोमवार से अनलॉक हो गए। तस्वीर में दिख रहा यह उत्तराखंड के हरिद्वार का मशहूर शक्तिपीठ मां मनसा देवी मंदिर है। यहां मंदिर खुलते ही श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश एवं दर्शन के लिए नए नियम तय होने से भक्तों को यहां स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। मां मनसा देवी सिद्धपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि हमने दर्शन के नए नियम तय कर लिए हैं। भक्त दूर से ही दर्शन करेंगे, लेकिन वे ना तो मंदिर में मूर्ति को स्पर्श करेंगे, ना ही घंटा बजाएंगे और ना ही प्रसाद अर्पण करेंगे। पुजारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। हमारी देवभूमि है, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो ये प्रसन्नता का दिन है कि आज जो है मंदिर मठ खुल गए हैं और बाकी जो भी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है हम उसका पालन करेंगे। हमने सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई है और हमने टेम्परेचर मशीनें लगाई है, जो भी सरकार द्वारा व्यवस्था दी गई वो सब हमने किया हुआ। आज हमने माता जी का अभिषेक किया है और आज हम महामाया को 56 भोग का प्रसाद हम लगाएंगे। और बाकी मैंने ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी पुजारी किसी को टीका नहीं लगाएगा, मंदिर में घंटा नहीं बजेगा और जो भी यात्री आता है वो अपना प्रसाद लेके माता जी के मंदिर में छुआ के अपना हाथ में रख के माता जी को नमन करके अपना प्रसाद वापस लेके जाए और कोई प्रसाद नहीं बटेगा। फिलहाल देवभूमि में हर की पौड़ी सहित माँ वैष्णो देवी के शक्तिपीठ समेत तमाम मंदिरों के खुलने से भक्तों के साथ ही पुजारी भी उत्साहित हैं। उन्होंने लंबे लॉकडाउन के बाद मंदिरों के अनलॉक होने पर खुशी जाहिर की और भरोसा जताया कि देवी कृपा से हालात जल्द सुधर जाएंगे। अपना तापमान चेक करवाना पड़ेगा, उसके बाद सैनिटाइज रूम बना रखा है रास्ते में, वहाँ पर मंदिर के अंदर आने पर सैनिटाइज होकर माँ के दरबार में सब सोशल डिस्टेंस की मर्यादा को रखते हुए एक एक आदमी 6-6 फीट की दूरी पे रहकर मंदिर में आएगा और माँ भगवती के दर्शन कर एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से चला जाएगा। शासन और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की है उसी को गाइडलाइन करके यहाँ कार्य होगा। कोई सी मूर्ति का छुआ नहीं जाएगा और ना टीका लगाया जाएगा यात्रियों को, ना प्रसाद दिया जाएगा। बस वो आज ये इस समय खाली माता के दर्शन ही भगवती के प्रसाद और आशीर्वाद है। मावती मनसा देवी के दरबार में यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है, उसमें पुलिस की व्यवस्था है। जो ज़्यादा भीड़ होगी तो मंदिर से बाहर रखेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंस में रहेंगे और अंदर भी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे और आगे को जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।